नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वाज्यारं नमो वज्जायारं नमो लोये सवसाहुरं सर्वमंगलं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमुक्तं मंगलं वंदे संदष्ट सिद्धार्थं संदष्टार्थ प्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतुशासनम निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाय भय सिद्ध परमात्मा वंदो मन बचकार समय सार जिंदाज हूँ श्याद बाद जिनवेन मुद्रा जिन्य विग्रंथता नमोस्कर चौथे ओम नमः। परम भाव में जो स्थित हैं उन्हें शुद्ध नायिका उपदेश कार्यकारी है और जो अपरम भाव में स्थित हैं उन्हें व्यवहार नाय यथा पदवी प्रयोजनवान है। समझ में आया? जो परम भाव में स्थित हैं उन्हें उपदेश की क्या जरूरत हो गई? उन्हें कौन उपदेश देने वाला है? काय को उपदेश देगा उन्हें? जो परम भाव में लीन है उन्हें उपदेश कौन देगा? तो फिर ये क्यों लिखा, परम भाव में स्थित हैं उन्हें शुद्ध नए कार्यकारी है। कि परम भाव में स्थित होने के निकट है, परम भाव में स्थित होने के अत्यंत निकट हैं, उन्हें स्वधनय के उपदेश को ग्रहण करके अर्थात अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिए। ये शैली लोक में भी प्रयोग करते हैं। बिल्कुल निकट पहुंचे हैं, कहो भाई क्या हुआ, पहुंच गए, बस 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। क्या कहा, पहुंच गए, अब 5 मिनट में पहुंचने वाले। कभी कभी तो उस दिशा में यदि साधन ही मिल जाए और अपन सोच भी लें चल दें तो अभी ये सोच लेते हैं पहुंच गए और ऐसा बोल देते लोक में, आप गए और गाड़ी मिल गई, कब भाई, हाँ गाड़ी मिल गई, आप समझ लो पहुंच गए, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, गाड़ी मिल गई पहुंच गए। सोच रहे थे गाड़ी जाने मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन गाड़ी मिल गई अब पहुंच गए। इसी शैली से लिखा है, आप मिले मानो मिली मुक्ति ही साक्षात। हे भगवान, जब हमें आप मिल गए तो ये समझ लो मुक्ति मिल ही गई। आप ये कोई गाफिल हो जाने की बात नहीं है, लापरवाही की बात नहीं है, एक उल्लास की बात है। तो जिन्होंने परम भाव की प्राप्ति का लक्ष्य बनाया उन्हें शुद्ध नय उपाधेय है, ऐसी श्रद्धा होती है। उन्हें शुद्ध नय उपाधेय है ऐसा श्रद्धान होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध नय के आंगन में आए बिना स्वानुभव नहीं होता। दूसरी भाषा कोई याद है?
शुद्धनय के पक्ष में आए हुए बिना कोई पश्चात क्रांत नहीं होता। शुद्धनय के पक्ष में आए बिना कोई जीव पश्चात क्रांत नहीं होता। जिसे अपने शुद्ध तत्व का निर्णय ही नहीं है, शुद्ध तत्व का विचार ही नहीं है, वह शुद्ध तत्व को प्राप्त कैसे करेगा? जो अत्यंत दूर खड़े हैं उन जीवों को व्यवहार से उपदेश दिया, भाई आओ मंदिर आया करो। अब तुमसे मंदिर आया कर, तुम तो आते ही हो, तुमसे क्या कहें मंदिर आया कर, तुमसे ये कहेंगे स्वाध्याय में आया करो। और कभी कभी आते हैं तो हम कहते रोज आया करो। एक टाइम आते हैं तो भैया एक शाम को क्या करते रहते हो, शाम को भी आया करो। इतने दिन अब इनसे क्या कहेंगे, ये तो आते दोनों टाइम आते, क्या इतने दिन हो गए सुनते सुनते, कुछ विचार करो। इतने दिन सुनते सुनते हो गए, आए बैठे उठे चले गए, कोई तरीका है? लो भाई उनसे कह रहे थे आया करो और ये कहते इनसे कहते थे कि हाँ उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए होता है। ऊंचा चढ़ने के लिए इसका अर्थ है वितरागता की ओर बढ़ने के लिए। उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए है, इसका अर्थ क्या है? वितरागता की ओर बढ़ने के लिए, कसाएं घटाने के लिए, धर्मानुराग बढ़ाने के लिए। धर्मानुराग प्रशस्त कार्यों में भी कसाएं घटती हैं, इत्यादि कार्य तत्काल कसायों को घटाने के साधन हैं और आगामी काल में समस्त कसायों को मिटाने के साधन है। क्या भगवंतों के आकार का अवलोकन करना, स्वरूप का विचार करना, वचन सुनना, निकटवर्ती होना, सत्समागम समझ लो, व्रत संयम आदि का अंगीकार करना, ये सब तत्काल में कसायों को मिटाने के साधन हैं, साधन हैं। कौन से साधन है? बाह्य साधन है, लेकिन अंतरंग साधन तो तुम्हें बनाना होगा। ये कुछ बाह्य साधन है, कुछ अंतरंग साधन है, साधन में देखना चाहिए, साधन है। इसके एक अर्थ और लेना चाहिए, ये साध्य नहीं है, बस करके रुक जा, भगवान के दर्शन करे आए, जिनवाणी सुन ली, उनका विचार कर लिया स्वरूप का, है बस रुके। साधन है, साध्य थोड़े ही है। और साधन सो व्यवहारो, कारण सो व्यवहारो, ये व्यवहार है। परमार्थ तक पहुंचने के लिए इसको निमित्त बनाना, तब तक बराबर प्रयास होना चाहिए जब तक समाधान ना हो जाए। ये शहरी जीवन की बहुत गली गलत है कि बस अब कुछ नहीं, अब ठीक हो गया, ये बहुत गलत शैली है। हम फिर कह रहे हैं जीवन में कहीं भी सफल नहीं हो सकते, प्रयास तब तक होना चाहिए जब तक समाधान न हो जाए, जब तक कार्य पूरा न हो जाए। ये नहीं बस अब ठीक है, अब कोई बात नहीं, क्या ठीक है, कुछ ठीक नहीं, भैया क्षमा करो, जा क्षमा कर दो अपना काम। तो ये इसका मतलब ये थोड़ी ही हो गया, बस समाधान हो गया, फिर अपने ढर्रे में चले गए, ये कोई तरीका नहीं। समाधान भेद ज्ञान तब तक बहाना चाहिए, देखो व्यवहार आ गया कि नहीं, भेद ज्ञान तब तक बहाना चाहिए जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। तत्व का श्रवण चिंतन प्रच्छना पूछना, फिर परस्पर में चर्चा करना, ये तब तक होना चाहिए
जैसा जिनोपदेश में कहा वैसा भाषित न हो यार। जिनमें हमने अपना हित समझा, पैसा कमा लिया, मकान बना लिया, बाल बच्चे, विवाह शादी और धंधे व्यापार और मान पद प्रतिष्ठा एकाध आयोजन धर्म के नाम पर भी कर लिया, इनमें अपना हित नहीं है। समझो इस भगवान के उद्देश्य को, समझो, मोह में मत नाचो। तब तक विचार करना चाहिए, इसका पूछना चाहिए, कैसे हित नहीं है, क्यों हित नहीं है, अपने से ही पूछो। हम कह रहे हैं इनमें अपना हित नहीं है, अब तुम सोचो, तुम अपने से पूछो हित क्यों नहीं है। हमें तो हित लगता है कि बताओ, कोई जीव सुखी हुआ हो तो बताओ। ये स्थाई तो है नहीं, ये व्यवस्थाएं बनी तो रही रहेंगी, ये व्यवस्थाएं बनी तो नहीं रहेंगी, इस पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति है, इसलिए पर्याय वर्तमान पर्याय में सूक्ष्म पर्याय भी है और स्थूल पर्याय भी है। वर्तमान पर्याय में कुछ अनुकूलताएं मिल जाएं, इनमें हमारा हित नहीं है। तब तक पूछो, विचार करो, चर्चा करो, वर्तमान योग से, चरणान योग से, क्यों वर्तमान योग से, बताओ किनका हित हुआ है, पुराणों बता। ये बाहर की अनुकूलताएं जुटा जुटा करके, बाहर के भोग संयोग बना बना करके, भोग करके कौन सुखी हुआ है आज तक? नहीं हुआ तो फिर तुम कैसे हो जाओ? तुम काला को कच, तुम्हारे अलग कानून है, नहीं है। चलो करना नहीं, उसे बोलो, जिसको हमने हित के समझा है, जिसको सुख समझा है, वह हित नहीं है, सुख नहीं है। जा सुख को तो सुख है, तू सुख कहे सो सुख तो सुख ना है, सो सुख दुख का मूल है। ले अब पाप बंध का कारण है, पाप बीजे सुखे नास्ते। जिसको तुमने हित माना, सुख माना, वह पाप का बीज है, अनेक प्रकार पराधीन है। अब तुम सोचो करना नहीं हो क्या कह रहा है, इससे तो पाप बंधेगा, पाप से तो क्या मिलेगा बोला? पाप किसे कहते हैं? जो दुख का कारण बुरा कार्य है, माने लोक में निंदनीय हो जाएगा और तेरा बुरा होगा। चरणानुयोग से विचार करो, बताओ चरणानुयोग से विचार करो, इनमें हमारा हित नहीं है। जिनमें हमने हित समझा, प्रमाद से बचने में, देव सास गुरु के से बचने में, धर्म कार्यों से बचने में, विनय से, सेवा से, भक्ति से बचने में, हमने कह दिया भैया अब तुम लोग अपने बैठा करो। तो पंडित जी ने मना कर दी, भक्ति मत जा, जे मना कर दिया, जे तो सुन लिया और उतनी देर विकथा करो, प्रमाद से पड़े रहो, जे तो नहीं कह दिया, ठीक है अब ये काम जी कर लेंगे, अब तुम रहने दे। तो जे तो सुन लिया तुमने, इससे ऊंचा कोई काम करो ना तुम। अरे हमने तो ऐसे धर्मात्मा देखे हैं भाई, धर्म बुद्धि वाले, लौकिक व्यवहार के स्थूल, कि अपन को बोली नहीं मिल पाई, दूसरे को बोली मिल गई तो ईर्ष्या नहीं, वो रुपया जितने अपने सोच के आए थे भी जमा कर दे, हम तो देवे के लिए आए थे, बोली नहीं मिल पाई तो नहीं मिल पाई, क्या करें, कुछ ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा, चलो बढ़िया है, लेकिन हमें तो ये देने हैं, हमें तो ये लगाने हैं। ये थोड़ा ही है, चलो अपने बच गए। एक बात तुमसे कही थी, ध्यान रखो, जो यहां से बचाओगे पाप में लगेगा, बचाने की कोशिश मत करो, न समय बचाने की कोशिश करो, न बुद्धि बचाने की कोशिश करो, चालाकी होशियारी का मार्ग नहीं है ये, ठगाई का मार्ग।
बुद्धि नाशात प्रणश्यति, सूत्र है। जिसकी बुद्धि बिगड़ गई समझ लो जीवन बिगड़ गया। बुद्धि का नाश होने से जीवन का नाश होता है। बिल्कुल बचाने की कोशिश मत करो। हम क्या कहें, हमको अभी भी दृष्टांत याद आ जाते हैं। एक आना जेब में था और दर्शन पूजा करके निकले, सुशेठ जी मिल गए, आ भैया भोजन कर लो। भोजन कर लिया, सेठ जी ने 2 रुपए की रसीद कटाई। उस समय 2 रुपए बहुत होते थे, अब 2000 कम से कम 2000। सन 55-56 की बातें होंगी शायद। हैं 2 रुपए के 16 सेठ चना आती थी। अब सुनो, अब 16 सेठ चना अब कितने के हो गए, राम लखन बताना जरा अनुमान। हैं 1600। अब समझ लो हो गए कि नहीं, वही हम कह रहे 2 रुपए 2000 हो गए कि नहीं हो गए। तो सेठ जी ने 2000 रुपए दिए, उसने लिया एक अन्नी एक आना और एक आना मुनीम को दीजिए दान के। बोले आज ये भोजन में खर्च हो जाता, अब भोजन इन्होंने करा दिया, कल किले धर ले जना ही एक आना लगा। हम कहते कितने ही लोग आज भी धर्म बुद्धि वाले हैं। बोले धर्माचरण का हम लेंगे कि धर्माचरण में देंगे। कल ही की बात तो थी, वो इंदौर उज्जैन वाले डॉक्टर थे, बोले पंडित जी कह दें तो हम ले लेंगे। जी बोले कछु, बोले पंडित जी कह दें तो ले लेंगे। अरे धर्माचरण में दव याद के लव याद, आपका ही प्रवचन, आप ही प्रवचन में कहते हो। जहां कोई नियम नहीं होता वहां लोग धर्मात्मा लोग धर्म बुद्धि वाले लोग बहुत सोचते हैं। ये नहीं है 200 रुपए कमरे की लगेंगे, 100 रुपया भोजन की लगेंगे, तो फिर मजबूरी है देंगे और आलोचना करते आएंगे। बता 200 रुपया रोज, ये कोई तरीका है? हम पूछते कितने दिन कितने लोग ठहर पाते हैं। खर्चा तो पूरे महीना पूरी साल चलता है, साहब 300-300 रुपए के कमरे हैं, तो इतनी सुविधाएं काहे को चाहते हो तुम? साधारण कमरों में क्यों नहीं रहते? अरे जब भी दिन 12 महीना एसी वहां चलेंगे तो 300 रुपये रोज लगेंगे, या हम क्या करेंगे? और बाकी मैनेजर लगेंगे, भाई रोज कपड़ा धोएंगे, बाकी भी सब होंगे, तो फिर 300 रुपये लगेंगे ही, हम क्या करें? तुम तो 2 दिन जाओगे, लेकिन उनको तो महीना भर का पूरा नौकरों का खर्च और तुम्हारा उसका बिजली का खर्च और फलाना खर्च और पुताई लिपाई का खर्च सब चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम अपने साधारण कमरों में रहो जा करके आराम से। हमारा मतलब है वहां देंगे भी और आलोचना भी करते जाएंगे, और जहां अपने कोई चार्ज कुछ नहीं है तो बस अपने आराम से यहां कछु नहीं देने। क्यों भैया? ठहरे अपने आराम से, खाओ पियो अपने आराम से, चल दे काय? तुम कहीं ठहरते हैं, कहीं रुकते, कहीं भोजन करते तो कुछ लगता कि नहीं लगता तुम? तो धर्मात्मा जी वैसा नहीं है, वो खुद सोचते हैं। अच्छा नौकर जो होता है वो अपनी तनख्वाह निकाल के देता है। और तो और धर्म क्षेत्र की बातें तो बहुत बड़ी हैं, अपनी तनख्वाह निकाल के देता है। अब देखो भैया, पैसा तो हम पे है नहीं, शरीर से तो हम कह सकते हैं, शरीर से कह रहे ऐसा नहीं है। लेना मत सीखो, देना सीखो हमेशा। लेने वाले नीचे जाते हैं समुद्र में, जलद जाकर के नीचे आएंगे, और देने वाले ऊपर बनते बादल। हमारे लोक व्यवहार में भी लेने वाले को छोटे को लाला कहते हैं और बड़े को दादा कहते हैं। बताओ कहते कि नहीं कहते? दादा देव देव, और ला 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 भैया ला,
पिताजी ला अम्मा ला, वो छोटा है ना, लाला ला 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 ला, लाला मत बनो दादा बनो। लोक व्यवहार की बातें हैं ये। अब तुम्हें लोक व्यवहार नहीं आता तो हम क्या करें, या कान सुनी बा कान निकाल दे, और दूसरों के लिए है। इस व्यवहार का परमार्थ का प्रयोग, व्यवहार का प्रयोग वितरागता के लिए समझना चाहिए, कषाय घटाने के लिए समझना चाहिए। और धर्म के कार्यों में कषाय घटती हैं, लौकिक कार्यों में कषाय बढ़ती हैं। जहां पग पग पर कषायों के प्रसंग हैं, यहां पग पग पर कषायों के घटाने के प्रसंग हैं। तो ये तब तक प्रवर्तना चाहिए। पंडित जी ने क्या लिखा, दूसरा शब्द लिख दिया समाचार नाटक में, वेद ज्ञान तोलो भलो ज्योलो मुक्ति न हो। मुक्ति माने वो मुक्ति नहीं, क्यों इन विकल्पों से मुक्ति न हो जाए। जब तक इन विकल्पों से मुक्ति न हो जाए तब तक वेद ज्ञान निरंतर बहना चाहिए। हमारी आदत यह है थोड़ा बहुत किया करा और बस फ्री हो गए, अपने फ्री हो गए, नहीं, प्रयास हमारा निरंतर चलना चाहिए। एक शब्द है अविच्छिन्न धारा, नदी का प्रवाह निरंतर चलता है, तेरी पर्याय द्रव्य में भी पर्यायों का प्रवाह निरंतर चलता है, चलता है कि नहीं चलता। अब पर्यायों का जब प्रवाह चलता है तो अपन प्रयोजन परक में देखो, या तो पाप रूप परिणति होगी, या पुण्य रूप परिणति होगी, या धर्म रूप परिणति होगी, तीन में से एक तो होगी, बिना पर्याय का द्रव्य तो रहेगा नहीं। अब समझ लो तुम क्या है, जिसमें अपना हित समझा, परमात्म के पोषण में, विषयों के पोषण में, अनुकूलताओं में, भोगों में, संयोगों में, बाहर की वैभव में, भोगों में अपना हित समझा, उसमें अपना हित नहीं है। हित पर दृष्टि हो, सोचो जब विकथा का भाव है, विकथा में अपना हित नहीं है, अपना हित होगा। कल क्या चर्चा पढ़ रहे थे हम, तुम गए थे, कब कौन गया था, भैया पराई निंदा विकथा करने योग्य तो नहीं है, सुनने योग्य भी नहीं है। अनागार धर्मोमत की टीका में आए, सुनने योग्य भी नहीं है। करने योग्य तो है ही नहीं, सुनने योग्य भी नहीं है। राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनिए। और अनरथ दंड हेतु अगत इन्हें न की, और भी है सो तुम विचार कर लेना। तो शोधनय में जो जो अपने परम भाव में स्थित हैं उनके लिए शोधनय प्रयोजन मान उपाधि है, तो उनको क्या उपदेश है शोधनय का, भी तो शोधनय रूप परिणमित ही हो गए। शोधनय त्रैकालिक भाव को भी कहते हैं, और शोधनय त्रैकालिक भाव की अनुभवन रूप परिणति को भी कहते हैं शोधनय, और त्रैकालिक भाव का कथन करने वाले नय को भी शोधनय शब्दनय शोधनय कहते हैं। उस शुद्धात्म स्वरूप का चिंतन करने को भी शोधनय कहेंगे। ये तो व्यवहार अनेक प्रकार के हैं, विविक्षा अनेक प्रकार की है। तो शोधनय के जो अत्यंत निकट हैं, वो परम भाव के अत्यंत निकट हैं, उन्हें क्या जरूरत है, वे तो अपने शुद्ध स्वरूप का विचार करते करते स्वरूप में लीन हो जा। और जो शुद्ध भाव से दूर हैं, उन्हें व्यवहार नय के द्वारा बीच में आना चाहिए। अब यंत्र तुम शिखर जी पैदल चलोगे तो चल गए, जिंदगी कितने दिन पहुंच पाओगे, कहां पहुंचोगे, पैदल यात्रा भी होती है ऐसा नहीं। और हम तो हमारी मनराज पैदल ही गमन करते हैं, वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हम ये लोक व्यवहार की बात करें, यंत्र पैदल चलोगे, अरे यहां से ट्रेन में लेकर पहुंचो और फिर पैदल चलो वहां। कितने ही लोग तो यहां से ही पैदल सोचेंगे, और कितने ही वहां पर भी गाड़ी सोचेंगे, ऊपर तक गाड़ी पहुंच जाए।
लेकिन कितनी कमजोरी अपने में है वो साधन का दुरुपयोग मत करो, हमारा मतलब ये है। कमजोर अवस्था में अवलंबन लेने में शर्म मत करो, और फिर छोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं। जब ऑपरेशन होता है हरी पट्टी बांध देते हैं, अब पुरानी वो चश्मा लगा देती वैसी बड़ी बात, और फिर जब ठीक हो गए उतार दिया है, जरा कहीं चोट वोट लग गई, कमजोरी हो गई, डंडा ले लो 4 दिन के लिए, और फिर वो ठीक हो गए वो उठा लो। लोक व्यवहार में हम उसे स्थायी नहीं बनाना चाहते, स्थायी है भी नहीं। तो व्यवहार नए के द्वारा अपना प्रयोजन साधो, नयों के द्वारा अपना प्रयोजन साधने की बात है। नए कोई नए क्या है, वस्तु स्वरूप को निर्णय करने के लिए है। जब तुम दूर हो तो व्यवहार में आ जाओ, और जब समीप हो तो शुद्ध नय में आ जाओ। शुद्ध नय का हट नहीं करो, व्यवहार नय का हट मत करो। हाँ, अपनी जैसी अवस्था हो, जितना राग आदि घटे हो उस हिसाब से अपना परिणमन करो। अपना जिस पद में जितनी क्रियाएं हैं वो सर्व अंगीकार करो, एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीची करके धर्म की भी हसी मत कराओ। धर्म की तो हसी होगी धर्मार्जन की, गुरुकुल लज्जामान होगा, लेकिन अहित तो अपना होगा। जिसमें अपना हित समझे बैठे हैं आराम से परे, इसमें हमारा हित नहीं है। शरीर को प्रमादी मत बनाओ, बुद्धि को कुंठित मत बनाओ। तुम बता दे, तुम बता दे, तुम बता दे, अरे स्वयं से सोचना सीखो। हम पूछते हैं, अब तुम ये कहो माँ से, हैं माँ हमें रोटी खवा, क्या तुम पहले छवाती थी दाल चावल मिला के तुम खवा? अरे अब इतने छोटे बने रहोगे, अब तुम खा, और जरूरत पड़ेगी तो अभी भी खिलाएगी माँ। तो जब बीमार हो गए और लेटे हो तो मुंह में चम्मच से पानी डालेगी, दवाई डालेगी, डालेगी वो तो, वो जरूरत होगी वो समझेगी। लेकिन अब तुम ये सोचो अब तुम हमें खवा, तो बताओ क्या करें? अरे क्या करो, अपनी बुद्धि को पराश्रित मत बनाओ, पराश्रय बुद्धि छोड़ो। कोई दूसरा बताए, दूसरा कहे तब हम करें, दूसरा बताए तब हम समझें, नहीं नहीं, स्वयं से सोचना सीखो, स्वयं से आगे बढ़ करके करना सीखो, स्वयं से देना सीखो। कोई हमसे कहे, आज हम करें, हमारे समाज की ऐसी दशा हो गई प्राय कि अगर चंदा कर भी न जा तो दान ही नहीं देवे जरूरत। जब चंदा कर भी जाए, अब चंदा हो तो भैया ले ले जा, हम तमाम देखेंगे बे तो महापापी है, उनकी तो बातें ही नहीं है, और फिर 10-10 अभय मंगवाएंगे। लेकिन अगर कोई पहुंच जाए तो उल्लास से दे देते हैं, ले भाई ले जा, और जे तो ले। लेकिन कहने का मतलब, कितने ही लोग तो ऐसे हैं, अगर साल भर में कोई आयोजन नहीं हो, चंदा नहीं हो, कोई बात नहीं हो, कोई व्यवस्था नहीं हो, तो अपन को मतलब ही नहीं। कमाए रहे खाए रहे जोड़ जोड़ के धर रहे, अपने विवाह शादी लौकिक कार्यों में आराम से खर्च कर रहे, तो बताओ क्या करें? हम बताएंगे क्या करो, प्रतिज्ञा करो, हम जो कहते हैं सो करोगे, हम बताते अभी बताएंगे, लेकिन प्रतिज्ञा करो जो हम बताएंगे सो ही करोगे। फिर बिल्कुल हो जाओ आश्रित, बता हमारी आश्रित हो जा, हम तुम्हें मोक्ष दे रहे। झूठ बोलते हो, अपने विषय कषायों के पोषण के लिए हमसे नहीं पूछोगे, बताओ क्या करें? बचने के लिए, छल के लिए हमसे पूछोगे, बताओ क्या करें? तो बताओ, आप बता दो क्या करें। अरे रे, धिक्कार है ऐसी कुबुद्धि को, ऐसी कुबुद्धि को धिक्कार है। बताओ क्या करें, बताओ क्या करें, बताओ क्या करें? तुम दुनिया को बताओ तो तुम्हें को बताओ,
समझ में आया क्या कह रहे हैं? हैं? देखो गन्ने का रस चूस करके उसके बाद थूको, व्यवहार से अपने प्रयोजन की सिद्धि करके उसके बाद छोड़ो। हाँ ऐसा नहीं है कि बैठा ही वो थूक नहीं है तो खाए काय को। हाँ उतर नहीं है नाव में तो बैठे काय को, कपड़ा सुखाने तो गीडो काय को करें, वे तो सब जगह ओंधी ओंधी बुद्धि चलेगी तो कहा होगा, न कपड़ा धो पाओगे, न नदी पार कर पाओगे, न खा पाओगे। बताओ जब मन नहीं है तो अबाई पूरी हो जाएगी तो मरेंगे तो इलाज काय करा, और पुण्य उदय नहीं हो पुण्य उदय क्षय हो जाएगा सब चला जाएगा काय को कमाए। ऐसी उल्टी बातें कहां से पकड़ रखी तुमने? बताओ क्या करें, बताओ क्या करें। अपने मतलब के लिए तो कोई नहीं पूछता, पिताजी से नहीं पूछेगा। धन्यवाद है जिस जो गुरुजनों की मानते हैं कि अपने पोषण के लिए नहीं पूछते, मानने के लिए पूछते हैं, और जहां पूछने की जरूरत है वहां पूछते हैं, जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलते हैं, जहां देने की जरूरत है वहां देते हैं, जो करने की जरूरत है सो करते हैं, करने योग्य कार्य का उद्यम है। एक सेठ जी बोले हैं 80 वर्ष की उम्र होगी, बोले हमने तो सब छोड़ दो, सब दे दिवा दो, अपने पास कछु नहीं रखो। बोले 4 मकान थे, एक एक अपने लड़कन को दे दो आराम से, वो दुकान थी वो तो एक एक दुकान दे रही, कितना सोनो फोन सब बंटवारो कर दो, सबको अपने सबे दे दो, अपने आराम से रहो, हमने अपने पास कुछ नहीं रखा। हमने बहुत बढ़िया बात, वो तो नहीं तुम नहीं दे रही तो कोर्ट से मिल जाता, मरे पे मिल जाते बने का बात, वो तो मिले ही आ दो, बचे एप्लीकेशन लगा दे हमारा बंटवारा करो, कोर्ट बंटवारा कर दे, उसमें क्या बात है, पंच बंटवारा कर दे। जामे देवो जिका दो तुमने, कछ चैत्याल कछ श्रावक जन कछ दुखिया धन देही, क्षमा क्षमा तब ही सो कह के मन की सल्यन। अगर तुम्हें क्षमा समाधि चाहिए, शांति चाहिए, समाधि माने शांति भाव, अगर शांति चाहिए तो बाल बच्चन को देवे से शांति नहीं होने है। लड़की को तुमने 50 लाख दे दे ब्याह शादी में, विवाह शादी भाई तेने 5 लाख आराम से दे से दे रहे, और अगर लड़की की निवृत्ति की भावना है तो हम क्या करें। ऐसा शांति नहीं मिलेगी, जीवन में नहीं मिलेगी, जिंदगी में नहीं मिलेगी शांति। तुम्हारे पिताजी सोचे हैं वो लड़का दूसरा भाई है उसको तो सब दे रहे, और अब तुम्हें क्या करना है, जो चाहिए तो ले लियो। अरे करने का तुम्हें क्या करने जो बताओ, तुम बाग उपाय दे, वो अपने दान में पुण्य में परोपकार में जो कुछ लगाए उसे लगाए, तुम्हें का लेने, तुम्हें क्या करने जो बताओ, तुम बेईमानी क्यों कर रहे हो? कि जो लौकिक कार्यों में प्रवृत्त रहा है, पाप में प्रवृत्त रहा है, उसको तुमने पूरा दे दिया, और जो निवृत्ति में लग रहा है उसको तुम्हें चाहिए तो ले लियो, 1-2 लाख ले लियो, ये कोई न्याय है? जीवन में शांति तो नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिल सकती। अब बेटा हम पे कछु है ही नहीं, आराम से खाओ पियो पढ़ो लिखो अपने जो कुछ करने तो करो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन है तो न्याय करना चाहिए कि अन्याय करना चाहिए? तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए, ध्यान रखना क्या हमारा हिस्सा दे। जब अपन घर से निकल आए हैं, अपन घर के लिए कछु कर नहीं रहे, तो अपना हिस्सा मांगने के अधिकार भी नहीं है तुम्हें, न देने के लिए जब देवे के लिए नहीं हो, जो जोर के घरे देवगे तुम, हम पूछ रहे एक क्षेत्र हमने तुमने दो तो तुम घरे दे आओगे का? जब घर में देव नहीं तो लेवे को अधिकार नहीं रहो, उनको अपना सदुपयोग करना हो तो भी देवे खुशी से, नहीं सदुपयोग करना बिन की बेजानो, तो नहीं लड़ियो नहीं, अरे तुम लड़े पहुंच जा दो, लड़ना नहीं। सहज मिले सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, सो तुम जानो खून बराबर, जामे खेचा टानी। हम तो अहिंसा के भाई, हमें नहीं चाहिए,
हमें नहीं चाहिए, हमारा पुण्य थोड़ी ले रहे हैं, और हमको चाहिए क्या ये बताओ। बहुत लोग आते वो आप इतना रुपया होना है वो फलाना, हमने हमें क्या करना है, हमें दो रोटी चाहिए शुद्ध, सो तुम खवाए पा तो बोलो तो नहीं तो जावर है, हमें शुद्ध दो रोटी खाना है बताओ। अलग से अपनी मर्यादा में रहना अपने हिसाब से, तुम्हारे पास व्यवस्था हो तो बोलो, नहीं तो हमें क्या करने, तुम्हारे इतनी बड़ी फ्लैट बने, इतनी बड़ी भी बने हैं, होटल बने, फलाने बने, हमें क्या लेने देने तुम्हारे फ्लैट से, हमें हमारी मर्यादा बाउंड्री की एक छोटी सी कुठरिया हो, क्या बम सीमेंट हो चाहे मट्टी से लिपी हो, भाई हमें कोई परेशानी नहीं। दो रोटी शुद्ध भोजन करा सको तो बताओ, नहीं तो घरे जाओ तो हम क्या करने, हमें तुम्हें जा जाते। अरे दान पुण्य में लगा और उपकार में लगा, खूब लगा अगर तुम्हें विवेक है तो, और नहीं तो जो होनार होगी तो होगी, उसका परिणाम हम क्या कर देंगे। निष्प्रही रहना सीखो और उदार रहना सीखो। पहले निष्प्रही बनो, दूसरों की आशा मत करो, कोई हमें दे जाए, कोई हमें दे जाए, कहीं से मिल जाए, बिल्कुल मत सोचो। पहले भी ये बातें कही है, खूब कही है, कोई सामने आता है हम इसको दे क्या सकते ये सोचो, इसे ले क्या सकते ये मत सोचो, इनको दे क्या सकते है? तुम ज्ञान दे सकते हो ज्ञान दे, सेवा कर सकते सेवा करो, जो दे इसमें दे सकते हो, लाड़ प्यार दे सकते हो बच्चों, लाड़ प्यार दे उन्हें, बेटा पाठशाला आया करो, हाथ फेर के कह देना है, लड़कियों पर मत हाथ फेरने लगना, ध्यान रखना नहीं चाटा पड़ेगा तुम्हें। मर्यादा का उल्लंघन कर मत कर बैठना, कह बेटा पाठशाला आओ करो। देखो व्यवहार हमारा अनाचार से बताता है, इसलिए मोक्ष मार्ग में उपकारी कहा है। मलेच्छ को मलेच्छ भाषा के बिना समझा नहीं जा, समझाया नहीं जा सकता, लेकिन तुम मलेच्छ नहीं हो, तुम्हारे घर में मलेच्छ बना भी नहीं है, लेकिन तुम भी व्यवहार के बिना अपना लोक व्यवहार घर का काम कैसे करोगे। घी का घड़ा शक्कर का डिब्बा कहना ही पड़ेगा, तुम्हें भी पानी का घड़ा कहना पड़ेगा, अचार के घड़े तो होते ही नहीं अपने यहां, कोई बात ही नहीं, वो तो पुराने जमाने की बातें थी, अचार के घड़ा के घड़ा भर के धर देते हैं, बड़े घर को चाहे को मांग ले जा तो अचार दे दी, चाची अचार दी हो है, हम आचार ने अचार दे दिए ने कमें, अचार से रोटी बहुत खबर थी पहले, और अब हर आदमी तो डर नहीं पाया, एक एक कुंटल आम के अचार पर जाते बड़े घर में, अब वो विवेक नहीं था कि हिंसा होगी नहीं, खूब बांट रहते, लेकिन अचार बंद हो गए तो बांटना बंद मत करो, हम कर लेने वाले भी बहुत कम रह गए, अगर मांगे तो गुड़ दे दे तो ले जे ले दे, गुड़ से खा लियो, टमाटर दे दो, अमरूद दे दे, केला दे दे, जो तुम्हारे पास चीज हो सो दे दे, शक्कर दे दे, ले भैया जैसे खा लियो, तो कभी लौटाना नहीं। रायमन मेनर मर चुके जे कहूं मांगन जाए, उनते पहले बेमुगे जे मुख निकसत ना है। विवेक से खुदे स्थान में नहीं, योग्य स्थान में अगर कोई है ठीक है देखते, अभी भावुकता में भी नहीं, चाहे कुछ दे देना फिर अपन परेशान होना और फिर तो अपना आशा करना कि हमने दे दो तो हमें मिलना चाहिए, हमने जो पुराना दे दिया हमको नया मिलना चाहिए, अब नव कोई लाओ नहीं तो अब कुड़कुड़ा रहे, ऐसा काम मत करो। क्या दे सकते हैं हमने, क्यों हम उन गुरुओं के शिष्य हैं, क्यों तुम सादानी क्या कोई हो, जक्को दे दी जक्की निधियां, जे तो तुम आओ है ही, और सुनो
और जे तुम्हार नहीं है जो बता दो जको दे दी जकी नि दिया और दिन रात उठाया करते हो सम सम की अभिनस्वर मानिया उन गुरुओं के शिष्य बनो। पैसा पैसा का हो तो पैसा रोटी का होते हैं कपड़ा का होते हैं स्थान क्या होता है उन गुरुओं ने क्या दिया मोक्ष मार्ग दिया रत्नत्रय का दान दिया। देने के नाम पर जोड़ना मत सीखो हैं जोड़ने फिर देंगे कीचड़ लगा के फिर नहाओगे ये मत सोचो है तो दे दो नहीं है तो रहने दे कोई बात नहीं। देने में अभिमान नहीं और लेने में दीनता नहीं। दूसरा है ये वात्सल्य नहीं मिलता लोगों का उसका एक ये भी कारण है कि हमें मिलने वाले वात्सल्य को ठुकराना। जो माता पिता के वात्सल्य को गुरुजनों के वात्सल्य को साधर्मियों के वात्सल्य को ठुकराते हैं उन्हें भी फिर वात्सल्य नहीं मिलता। जो वात्सल्य नहीं देते उन्हें तो वात्सल्य मिलता ही नहीं है लेकिन जो वात्सल्य को ठुकराते हैं उन्हें भी वात्सल्य नहीं मिलता। कोई प्रेम से देवे तुम्हें सिर माथे चढ़ा करके देना भैया आपको ही है कोई बात नहीं। ये मत सोचना हमें क्या करना हमारे पास तो है हम तो है अभिमानी मत बनना। कोई देवे प्रेम से सिर माथे हैं नहीं तुम्हारे लायक हो भैया हमारे लायक है नहीं भी हम क्या करें हमें अब जरूरत नहीं है जब जरूरत होगी हम आपसे कह देंगे कोई बात नहीं ले लेंगे हम हैं। बड़े बादशाह बड़े आदर से लेना यह सिख आदर हो और देने की जरूरत हो बहुत बड़ी निष्प्रयता से निरभिमान से विनय से सरलता से श्रद्धा भक्ति तुष्टि पुष्ट इन गुणों से संपन्न होकर के फिर देव दातार के सात गुणों से शोभित होकर चाहे आहार दान देना हो चाहे ज्ञान दान देना हो चाहे औषधि दान देना हो चाहे अभय दान देना हो बड़े विनय भाव से बड़ी सरलता से बड़े उल्लास से दान दिए मना रखो तो व्यवहार परमार्थ के लिए है। बहुत दूर खड़े हो तो व्यवहार में आ जाओ और व्यवहार में है तो व्यवहार में रुके मत रहो बढ़ते जा। हमारे देश में तो गायत्री थे लोग वीर तुम बड़े चलो बड़े चलो कब तक समुद्र आ रहे हो समुद्र में गिर चलो बड़े बड़े चलो। अरे ये थोड़ा ही उसका अर्थ था। जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जा बड़े चलो पीठ दिखाने का काम नहीं है पीछे लौटने का काम नहीं है। पीछे भी लौटना है तो आगे बढ़ने के लिए बैक करने के लिए पीछे बढ़ते आगे लौटते। तो शुद्ध नय के जो निकट हैं उन्हें शुद्ध नय का उपदेश प्रयोजनवान है। इसी शैली से कभी कभी ये कथन किए जाते हैं ये समय सारा आदि ग्रंथ तो मुंडाजों के ग्रंथ हैं इसीलिए इसी शैली से कहे जाते हैं लेकिन मुंडाजों के ग्रंथ हैं इसका मतलब हमारे लिए नहीं है ऐसा नहीं। क्या मतलब है मुनि दशा की भावना भाते हुए इन ग्रंथों का स्वाध्याय करना इन ग्रंथों को स्वाध्याय करते हुए मुनि दशा की भावना भाना क्यों जिस ध्येय की चर्चा यहाँ है उस वह ध्यान मुख्य रूप से मुनि दशा में होता है। क्या कहा जिस ध्येय की यहाँ चर्चा है ध्येय स्वरूप की वह उसका ध्यान मुख्य रूप से मुनि दशा में होता है। श्रावक दशा में तो गौण रूप से है प्रचुरता से मुख्य रूप से अविच्छिन्न रूप से मुख्य रूप से तो मुनि दशा में होता है। इसलिए इन ग्रंथों का स्वाध्याय करके निर्गंथ भावना भाना स्वरूप की भावना भाना और निर्गंथ भावना भावना व्यवहार हो गया और स्वरूप भावना भाना शुद्ध नय के निकट आ गए और स्वरूप की भावना भाते भाते स्वरूप में रम जाना मगन हो जाना ये शुद्ध नय हो गया।
साक्षासुदन है, ये शब्द है शास्त्र में, साक्षासुदन है। परोक्ष शुद्धनय भी होता होगा तो फिर कि हाँ, उस शुद्धनय के विषय का जो चिंतन कर रहे हैं वो भी परोक्ष शुद्धनय कहेंगे हम उसको, पूर्वचर शुद्धनय कहेंगे, उपचार से उसे भी शुद्धनय कहेंगे। धर्मात्मा की सेवा कर रहे, परमात्माओं के दर्शन कर रहे हैं, ये भी धर्म ध्यान कर रहे हैं, अपन तो धर्म ध्यान में लगे, इसको भी धर्म ध्यान कह देंगे। स्वाध्याय कर रहे इसको भी धर्म ध्यान कहेंगे। व्यवहार अनेक प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का व्यवहार नहीं चला सकते। जैसे लोक में व्यवहार होता है, विवाह हो गया तो विवाह माने केवल एक व्यवहार थोड़ी, और कितने व्यवहार जुड़ गए। नहीं, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारी पत्नी है, हमें इसके पति, बस हमें और किसी से लेना देना नहीं, कहाँ की सासू, कहाँ के ससुर, कहाँ के भूपा, कहाँ के मामा, कहाँ के चाचा, हमको कोई मतलब नहीं है, कहाँ की समाज, कहाँ का गांव, हमें क्या लेना देना। विवाह हो गया बस, अपने कोर्ट मैरिज, ये कोर्ट मैरिज अपने यहां नहीं होती, ना तलाक होते हैं ना कोर्ट मैरिज होती है, यहां तो धर्म परंपरा से मतलब है। हैं, पत्नी जब तुमने माना तो पत्नी की मां तुम्हारी धर्म माता हो गई, पति माना तो पति की माता तुम्हारी धर्म माता हो गई, पति को माता को अगर सास समझ लिया तो तुम कुछ समझ ले फेल हो गई, वो मां है हमारी, मां नहीं डांटेगी तो कौन डांटेगा। जैसे मां की चार बातें सहन करके मां की सेवा करते, ऐसे सासू की सेवा करना चाहिए। और अगर बहू को बेटी नहीं समझ पाए तो समझ लेना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब लड़का है जी तुम्हारा, तो जी लड़की नहीं हुई तो कौन हुई बता, धर्म की लड़की हो गई। क्यों, जब वो धर्म माता है तो ये धर्म की लड़की हो गई कि नहीं हो गई। अब उसे लड़की की तरह नहीं जानती तो सिखाना, जानती है तो प्रोत्साहन देना, बढ़ाना, सहयोग करना, निश्चिंत करना, बस लड़की के साथ जो करना चाहता है सुखियो करो, घर स्वर्ग हो जाएगा आपको, घर में कहीं कलह की जरूरत ही नहीं। कलह कराने वाले तो ये विकारी भाव हैं, क्रोध मान, हम कछु हैं, हम काय को झुके, हम काय को झुके, बता उत्तर देना एक लाइन बस, इतनी अंतिम है बात, हमें अपना हित करना इसलिए हम झुके, हम काय को झुके, कि हमें शांति चाहिए, झुक जा, झुक जा, बढ़ जा, हम काय को झुके, बे पहले झुके, बे पहले झुके, तो जो पहले झुकेगा वही पहले पाएगा। पहले जो जो अगर तुम पहले झुक जाओगे तुम बड़े हो जाओगे, और वो सामने वाला पहले झुक गया तो तुम बड़े हो जाओगे, पहले आ जाओगे तुम यहां बैठ जाओगे, अगर नहीं तो पीछे आओगे तो पीछे। लोग व्यवहार है कि नहीं बोलो, हम कहा को पहले झुके, वे पहले झुके, अरे वे पहले झुके, अरे हम ही पहले झुक जाए, क्या फर्क पड़ रहा, अरे फर्क नहीं पड़ रहा, अपना हित हो रहा, अपने को शांति मिल जाएगी, जितनी जल्दी झुक जाएंगे उतनी जल्दी ही अपना चित्त शांत हो जाएगा। व्यवहार का परमार्थ की प्राप्ति के लिए खूब उपयोग करो, बस एक ही सावधानी रखना, व्यवहार को ही परमार्थ मत मान बैठना। लेकिन बिल्कुल व्यवहार और परमार्थ दृष्टि वाले का व्यवहार, उसी को व्यवहार होता है, जिसकी परमार्थ दृष्टि होती है उसी को व्यवहार होता है, सम्यक व्यवहार होता है, वह प्रशंसनीय व्यवहार होता है, पवित्रता की ओर ले जाने वाला व्यवहार होता है। बोलो काका, चार बातें करो, जिस परमार्थ दृष्टि होती है उसी को व्यवहार होता है, कैसा व्यवहार होता है, सम्यक व्यवहार होता है, प्रशंसनीय व्यवहार होता है, पवित्रता की ओर ले जाने वाला व्यवहार। जो परमार्थ दृष्टि वाला नहीं है, परमार्थ का लक्ष्य नहीं है, उसको क्या व्यवहार होगा, वो तो व्यवहार भाषण पड़ा है, बैठ रहा है, दो चार क्रिया करनी, दो चार नेकाल कछु करा लो, नेकाल सीख लो, बस हम कछु हैं, हम व्यवहार वारी हैं। तुम व्यवहार वारी कहाँ हो, कैसे हो व्यवहार, ये तुम्हारा व्यवहार है उल्टा सीधा। जैन का व्यवहार जैन के अनुकूल होगा,
सेवक का व्यवहार सेवक के अनुकूल होगा, विद्वान का व्यवहार विद्वान के अनुकूल होगा, त्यागी का व्यवहार त्यागी के अनुकूल होगा, मुंडराज का व्यवहार मुंडराज के अनुकूल होगा, अरहंत का व्यवहार अरहंत के अनुकूल होगा, सिद्ध का व्यवहार होगा ही नहीं, सिद्ध व्यवहार आती है। ओम नमः।